गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में दूसरे दिन भी विपक्ष पर योगी ने जारी रखा हमला, कहा कश्मीर में धारा 370 हटने से सबसे ज्यादा परेशान राहुल और ओवैसी। नौकरी की बात करने वालों ने गरीबों का राशन तो खाया ही, जानवरों का भी खा गए चारा। हमारे लिए बिहार का मतलब माता सीता का मायका। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के बिस्मिल नगर में छोटे सिलेंडर से सिर पर प्रहार कर युवक की गई हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस। ACMO डॉक्टर NK पांडे ने पैडलेगंज स्थित यीशु हॉस्पिटल का किया निरीक्षण, अस्पताल में मिली खामियां। CMO ने अस्पताल का पंजीकरण किया निरस्त, भर्ती मरीजों को जल्द से जल्द डिस्चार्ज करने का दिया निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई वाणिज्य प्रतिष्ठानों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने संबंधित बैठक, कहा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को किया जाएगा बंद, होगी कार्रवाई। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर वीर अमर शहीद पुलिस कर्मियों को ADG सहित अन्य अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि, वीर शहीद स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर दी सलामी। गोरखपुर देवरिया फोर लेन निर्माण में आ रही बाधा को दूर करने के लिए तहसीलदार सदर के नेतृत्व में कूड़ा घाट में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान, हटवाए गए अवैध अतिक्रमण। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी की जिन पांडे ने जनपद वासियों से हाथ जोड़कर की अपील, कहा घरों में मनाए त्योहार, लापरवाही पड़ सकती है महंगी। अपर जिलाधिकारी राजेश्वर की अध्यक्षता में संपन्न हुई खरीफ विपणन वर्ष के धान खरीद से संबंधित बैठक, कहा धान खरीद में न बढ़ते कोताही, शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई संचारी रोग नियंत्रण अभियान के जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक, अभियान को 100% सफलता के दिए निर्देश। मॉर्निंग वॉक चेकिंग अभियान के दौरान विद्युत विभाग ने 75 कनेक्शन में से 13 कनेक्शन में पकड़ा विद्युत चोरी, 292 बकायेदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन को विच्छेदित करते हुए वसूला लगभग 86 लाख बकाया। गिद्धरगंज वार्ड और अलीनगर वार्ड के शिकायतकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास की तीसरी किस्त के भुगतान के लिए सर्वेयर के घूस मांगने की शिकायत, जुड़ा परियोजना निदेशक DK सिन्हा ने आरोप का किया खंडन, कहा दोनों सर्वेयरों को किया जा चुका है बर्खास्त। नारी सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार की ओर से शुरू किए गए मिशन शक्ति के तहत थानों में बना हेल्प डेस्क, अब महिला पुलिसकर्मी महिलाओं की सुनेंगी समस्याएं, करेंगी समाधान। गोरखपुर में बुधवार को मिले 106 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 18,337, एक्टिव मरीज हुए 1,296। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। माध्यमिक विद्यालयों के नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन नहीं मिलने पर माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने जताई नाराजगी, शीघ्र वेतन जारी करने की मांग। इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के बैनर तले दर्जनों मुतवल्लियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जुलूस ए मोहम्मदी के संबंध में जारी गाइडलाइन के बारे में जानकारी देने की अपील। नवरात्र के पांचवें दिन गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में हुआ मां स्कंद माता की पूजा अर्चना, आरती के बाद किया गया प्रसाद वितरण। और नवरात्रि के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी ने मां दुर्गा का पाठ करके किया शस्त्र पूजन, कोरोना महामारी को खत्म करने की मांगी मन्नत।